वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. जैसे कि आप जानते हैं, आप देख रहे हैं अल नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम प्रेजेंट्स नूरे रमज़ान. व्यूअर्स, इस रमज़ान अल नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम पेश करता है बराए रास्त नशरियात ए प्लस और पब्लिक न्यूज़ पे. इनकी हाउसिंग स्कीम की तरफ से आप जीत सकते हैं बहुत से कीमती इनामात. स्पेशली इनके कस्टमर्स के लिए जो ऑप्शंस हैं वो हैं उम्रे का टिकट, बाइक, एलसीडी एंड मोबाइल फ़ोन. सिर्फ एक छोटा सा क्लॉज है और वो ये है कि जो आपके बकिया वाजिबात हैं उनको अदा कर दें 5 रमज़ानुल मुबारक तक और आप भी हिस्सा बन सकते हैं हमारी डेली की कुरानदाजी का. इसके अलावा तमाम देखने वालों के लिए बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ है. हर बंदे का ख्वाब होता है कि अपना घर हो, अपनी ज़मीन हो. 5 मरले का प्लॉट जीतने का शानदार मौका आपको मिलेगा. अब बेसिकली आपने अभी जाना है अल जलील डेवलपर्स के सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर. अल जलील डेवलपर्स के सोशल मीडिया पेजेस पे जाएं, उनको टैग करें, शेयर करें और जीतने का मौका हासिल करें. और ये 27th रमज़ानुल मुबारक, 27 रमज़ानुल मुबारक को हम अनाउंस करेंगे. अब आ जाते हैं सबसे पहले विनर की तरफ. मोबाइल फ़ोन किसने जीता है ये आपके साथ शेयर करूँगी. ये हमने एक पर्ची निकाल ली एंड आई वुड लाइक टू अनाउंस द विनर्स नेम. विनर का नाम है जिन्होंने मोबाइल फोन जीता है अलनूर ऑर्चर्ड की तरफ से, मोहम्मद नवीद अकरम. मोहम्मद नवीद अकरम, बहुत मुबारक हो आपको. आप लाहौर से बिलोंग करते हैं. रजिस्ट्रेशन नंबर है BLT 369 4286. बहुत बहुत मुबारक हो व्यूअर्स. ट्यून्ड इन आपने रहना है, आपके साथ हम काय बगाए, वी विल कीप गोइंग बैक टू द बैलेट बॉक्स. और अभी भी आप LCD बाइक और उम्रे का टिकट जीत सकते हैं. व्यूअर्स, हमारे मेन सेट के ऊपर हमारे रिनाउंड रिलीजियस स्कॉलर्स है, वेलकम करना चाहेंगे मुफ्ती ताहिर तबस्सुम. अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब. और हमें ज्वाइन किया है अलामा करामत अब्बास ने. अस्सलामु अलैकुम. और आप सबके फेवरेट शहजाद हनीफ मदनी तो हमारे साथ हैं ही. बहुत ही खूबसूरत मनकबत आपने पेश की माशाल्लाह. आज का टॉपिक इतना खूबसूरत है, एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी शख्सियत जिनकी मिसाल पूरी कायनात में नहीं पाई जाती. हम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात कर रहे हैं. उनके बचपन पे अगर मुफ्ती साहब आप रोशनी डालें. नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. देखिए, बिलाशुबा वो एक ऐसी मुकद्दस हस्ती हैं जिनका नामे नामी इसमें गिरामी आते ही अकीदतों और एहतराम के साथ गर्दनें खम हो जाती हैं, सर झुक जाते हैं. उनका बचपन हो, लड़कपन हो, उनका जवानी हो, उनकी हयात हो, उनका विसाल हो, ज़िंदगी का एक एक लम्हा उम्मत की ख़वातीन के लिए मिशाले राह है, मीनारे नूर है. हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जिस अंदाज में उन्हें खराज तहसीन पेश किया है वो भी अपनी मिसाल आप है. मैं कहता हूँ उससे जामे और उससे खूबसूरत पैगाम. मसलन इकबाल ने एक तो ये कहा कि मरियम अज यक नस्बत ईसा अज़ीज़, वज से नस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़, नूर चश्म रहमत लिल आलमीन, आ इमाम अव्वलीन व आखिरीन, बानुए हाँ ताजदार हलता, मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा, मादर आँ मरकज़ परकार इश्क, मादर आँ काफिलाए सालार इश्क. कराची में मगरिब की अजान का वक्त होने में 3 घंटे 30 मिनट बाकी हैं. पूरी एक सूरत उनके नाम पर है, सूरह मरियम. लेकिन कहा उनको ये इज्जत, ये एजाज, ये शरफ एक निस्बत से हासिल है. वो एक निस्बत यह है कि वो पैगंबर की माँ है. बेशक. तो इकबाल कहता है कि एक नज़र उठा के सैयदा कायनात की अजमतों की तरफ भी तो देखो, उन्हें एक निस्बत हासिल है, इनको 3-3 निस्बतें हासिल हैं. वो हसनैन करीमैन की अम्मा जान हैं, हैदर करार की जौजा मुतहरा हैं,
और वालिए कायनात ताजदारे कायनात रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरे नज़र और लखते जिगर हैं, आपकी आंखों की ठंडक हैं, आपके जिगर का टुकड़ा है। अब इकबाल ने एक बहुत बड़ी बात कही है जो कोई आशिक या इश्क का मुफ्ती कह सकता है, लेकिन वाह। फिर अपने आप को बचाया भी है, शरीयत के आगे सरेंडर भी किया। इकबाल ये कहता है कि रिश्ता आईने हक जंजीर पास पास फरमाने जनाब मुस्तफास वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद मी सजदा हा बर खा के ऊ पाशीद मी। इकबाल कहता है कि सैयदा कायनात का मकाम इतना ऊंचा है, उनके हमारे ऊपर इतने एहसानात हैं, उनकी इतनी कुर्बानियां हैं, इतना इशार है इस्लाम के लिए और फरजंदान इस्लाम के लिए कि मेरा अगर मेरे हाथों में शरीयत मुस्तफ़ा की हथकड़ियां ना होती और पाँव में निज़ाम मुस्तफ़ा की बेड़ियां ना होती तो मेरा दिल चाहता था कि मैं सैयदा कायनात के मज़ारे पुर अनवार का तवाफ भी करूं और सजदा भी करूं। अब ये इतनी बड़ी बात, लेकिन कहा शरीयत ने रोक रखा है, ये भी बता दिया कि शरीयत सुपीरियर है। अब आखिरी बात यहाँ कंक्लूड करता हूँ, तो इकबाल ने उम्मत की ख्वातीन को जो पैगाम दिया है ना, जो आपने कहा था आपका बचपन और आपका उसवा, आपका इंट्रो भी मैं सुन रहा था कि आपका जो किरदार है, अगर हमारी ख्वातीन हमारी माएँ बहनें बेटियाँ वो अपना लें, तो इकबाल ने पता है क्या कहा, इसी बात को दरिया को कूजे में यूं बंद किया है कि बतूल बाशो पिन्हा शौजी असर। इकबाल ये कहता है कि ए उम्मत की खातून, अगर तू चाहती है कि तेरी गोद में कोई शब्बीर जन्म ले तो फिर तू बतूल बन जा और जमाने की निगाहों से ओझल हो जा। ये है मकाम हजरत सैयदा कायनात। वाह जी अल्लामा साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हम्द पाक अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। लाखों दूदो सलाम सरकार अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आले तहार पर, जो हमारे लिए वायसे इज़्ज़त व इफ्तिखार हैं। लफ्ज़ दो जगह गरीब हो जाते हैं, इंतहाए तौकीर में इंतहाए तकफ़ीर में। जब बहुत आला हस्ती की बात हो तो भी इंसान लफ्ज़ों का यतीम हो जाता है और आगे कहने की ज़रूरत नहीं है। जनाब सैयदा फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा राज़िया मर्ज़िया मुहद्दिसा आलिमा गैर में मुअल्लिमा और उम्मे अबीहा, जितने अलकाब मुबारका हैं जनाब सैयदा कौनैन के, एक एक लक पे बोलने के लिए इंसान को ताद में जीज़ चाहिए। लेकिन चूंकि दामने वक्त को सामने रखना होता है, मुफ्ती साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज से हज़रत अल्लामा इकबाल के अशआर पढ़े, मर्द कलंदर के चिनोड़ के एक अजीम शायर थे अख्तर चिनोटी मरहूम, उन्होंने जनाब मरियम और जनाब सैयदा के लिए एक बात, बेशक लारैब इसमें कोई शक नहीं है कि जनाब मरियम बहुत बड़ी इज्जत की मालिका हैं, अपने दौर की बतूल थी और अपने दौर की ख्वातीन में अल्लाह ने उन्हें चुना और वो रूह अल्लाह की माँ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो फरमाते हैं कि मरियम से फातिमा का कैसा मवाजना, मुफ्ती साहब मरियम से फातिमा का कैसा मवाजना, मरियम है आबिदा इबादत है फातिमा। अल्लाह अकबर। वो फरमाते हैं कि मरियम है आबिदा इबादत है फातिमा। और जरा हम आगे चलकर देखते हैं तो मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आका नामदार की कायनात में एक ऐसी सिफत है जो किसी दूसरे नबी को भी मुयस्सर नहीं, आम बंदे को तो दूर की बात है। हर आदमी की नस्ल अपने बेटे से शुरू होती है, वाहिद जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनकी नस्ल जनाब सैयदा से। सूरह कौसर की सूरत में तमाम उलमाए हक्का ने, तमाम उलमाए आशकान ने, मैं समझ रहा हूँ, उन्होंने जनाब सैयदा को तारुफ़ रिसालत करार दिया, मुआरिफ़ रिसालत करार दिया, नस्ल रिसालत करार दिया। और इस अंदाज से अल्लाह ने वादा किया कि मेरे हबीब इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्ली रब्बी कवन हर इन्ना शानिया कहू अल अफ्तार, मेरे हबीब मेरे रास्ते में कुर्बानी अदा करता रहे, नमाज कायम कह, तेरा अल्लाह वादा करता है हमने तुझे खैर कसीर अता किया और ऐसी बेटी अता करूंगा कि कयामत भी उसके बेटे का इंतजार करेगी और जनाब ईसा भी उसके बेटे का इंतजार करेंगे। और आपकी इसी बात से मैं बात कंटिन्यू करूंगी जी, लेकिन आपको पता है कुछ टाइम का मसला होता है, हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अलामा साहब की बात से वापस कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. आप देख रहे हैं अल नूर ऑर्चर्ड प्रेजेंट्स नूरे रमज़ान, और आज हम डिस्कशन कर रहे हैं एक बेमिसाल पर्सनालिटी की, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. और हमने ब्रेक ली थी, अलामा साहब अपनी गुफ्तगू के बीच में थे, तो अलामा साहब जहाँ पे आपने बात छोड़ी वहीं से कंटिन्यू करेंगे. जी बहुत शुक्रिया. मैं अर्ज़ कर रहा था कि जनाब सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपकी पाकीज़ा ज़ात पर एक जुमला हदिया करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि किसी खातून की ज़िंदगी के तीन हिस्से होते हैं. पहले वो किसी की बेटी है, फिर वो किसी की ज़ौजा है, फिर वो किसी की माँ है. बेशक जब वो किसी की बेटी है तो बाप के लिए रहमत, जब वो किसी की ज़ौजा है तो शोहर के ईमान का हिस्सा, और जब वो किसी की माँ है तो अपनी औलाद की जन्नत उसके कदमों तले. अब मेरे लाखों दुरूद और सलाम हों उस सैयदा की ज़ात पर कि जो रहमत है तो रहमत तलिल आलमीन की, जो ईमान है तो कुल्ले ईमान का, और जन्नत उनकी कदमों तले है जो जवानाने जन्नत के सरदार हैं. और एक और गुजारिश, हाँ, जो जवानाने जन्नत के सरदार हैं. अब हम देखते हैं किबला मुफ्ती साहब माशाल्लाह गहरा मुताले आपका और बड़ी खूबसूरत फसीह वली खतीब हैं. मैं इनके लिए और आलम इस्लाम के लिए जुमला जनाब सैयदा के लिए हदिया करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ मेरे उस्ताद मोहतरम आ जाते हैं तो मैं उनके लिए खड़ा हो जाऊँगा, अगर उनके उस्ताद आते हैं वो उनके लिए, आहिस्ता आहिस्ता एक वली आता है वो उनके लिए, वली गौस के लिए, गौस अब्दाल के लिए, अब्दाल कुतब के लिए, कुतब ताबी के लिए, तबे ताबीन के लिए, फिर ताबी के लिए, वो सहाबी के लिए, और अगर कोई नबी आ जाए तो सहाबी खड़ा हो जाए, अगर जनाब ईसा हों मूसा आए उनके लिए खड़े हो जाए. ये सारा एक सिलसिला अदब है. साहिब कसूस अलम्बिया ने मुस्तनद तरीन ये रिवायत है ये लिखा कि जब मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका नामदार मेराज में तशरीफ़ लेके गए तो ग्रोह अम्बिया ने आपका इस्तकबाल फरमाया, और तमाम अम्बिया को अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरा मुस्तफ़ा आ रहा है इसके अदब में खड़े हो जाए. अब मुझे जुमला कहने दीजिए जिसके अदब में जनाब आदम सफ़ीउल्लाह खड़े. इस्लामाबाद में मगरिब की अजान का वक्त होने में 3 घंटे बाकी हैं. रूल्ला खड़े हो जाएं जिसको देखकर कमोबेश 1,24,000 अंबिया मेरे नबी को देखकर खड़े हो जाएं, एक काम उसे मेरा रसूल कहते हैं, और जिसे देखकर मेरे रसूल खड़े हो जाएं उसे फातिमतु ज़हरा कहते हैं. सुभान अल्लाह. और जनाबे सैयदा ने, मैं जुमला महफूज रखता हूं हमेशा, इसके बावजूद मैं यही कहूंगा कि मेरे नबी आका हैं वो बेटी हैं, चूंकि जनाबे रसूल खुदा सैयदुल अंबिया हैं, हसनैन के भी नाना हैं, अली अलैहिस्सलाम के भी मौला हैं, और जनाबे सैयदा ने खुद फरमाया कि मेरे पाक बाबा जब मैं आती हूँ आप खड़े होते हैं तो बाबा मैं पसीने से शराबूर हो जाती हूँ, बाबा आपके सर पर तो आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम के नबियों का ताज सजा हुआ है, बाबा आप मेरे लिए खड़े हो. मैं माज़रत चाहता हूँ. मेरे आका फरमाते हैं फातिमा मुझे कसम है उस शब तौहीद की जिसके कब्ज़े में मुझ मुस्तफ़ा की जान है, जब आप तशरीफ़ लाती हो तो जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अल्लाह का हुक्म है कि खड़े हो जाएं, कुरान का सूरह कौसर आ रहा है. अगर बेटी के लिए खड़ा होना सुन्नत होती तो आज हम नबी की इतनी सुन्नत पूरी करते हैं तो बेटी के लिए भी आज हम खड़े होते, लेकिन हर बेटी बतूल नहीं है, हर बाप मुस्तफ़ा नहीं है. और एक आखिरी बात आज के उनवान से हदिया करना चाहता हूँ उलमाए इस्लाम के लिए, अपनी मुकद्दस बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, कि जनाब सैयदा की हनीफ मदनी साहब मौला के नात खान हैं, कि जनाब सैयदा की तहारत क्या है. देखिए जनाबे मरियम भी बतूल हैं, जनाबे सैयदा भी बतूल हैं, लेकिन मुफ्ती साहब के लिए खसूसी तौर पर मैं उनके इश्क के लिए ये शुमला कह रहा हूँ, जनाबे मरियम भी बतूल हैं, जनाबे सैयदा भी बतूल हैं. अब बतूल उस बीबी को कहते हैं जो बशरी तकाजों से पाक हो, जिसके नज़दीक एक लम्हे के लिए निजासत जाने का भी न सोचे उसे बतूल कहते हैं, उसे ताहरा कहते हैं, उसे मुताहरा कहते हैं, उसे ज़किया कहते हैं, उसे राजिया कहते हैं, उसे मर्जिया कहते हैं, उसे ज़हरा कहते हैं, उसे फ़ातिमा कहते हैं. लेकिन मैं हाथ छोड़कर आलम इस्लाम तक रसूल की पाक बेटी की इज्जत पर यह जुमला कहते हुए फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मरियम वो बतूल है कि शोहर की हाजत नहीं, रूहुल्लाह की माँ होकर शोहर की हाजत के बगैर रूहुल्लाह की माँ होकर साहिब इस्मत होना और बात है, अली अलैहिस्सलाम की ज़ौजा होकर हसनैन की माँ होकर फिर बतूल रहना ये और इस्मत का अंदाज़. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हैं जी मुफ्ती साहब. देखिए अल्लामा साहब ने जो बात कही है बहुत खूबसूरत और इश्क मोहब्बत से लबरेज, अल्लाह कबूल फरमाए. इसी को एक दूसरे एंगल से यूँ समझा जा सकता है कि इन्हीं 3 हैसियतों में
सैयदाए कायनात किन किन हस्तियों के लिए वायसे राहत बन रही हैं, उनकी ढारस बंधा रही हैं। यानी अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब गमजदा होते, जब आका अलैहि सलातो सलाम की पुश्त अनवर पर ओजड़ी डाली जाती, तो उस वक़्त वहाँ से जाके उतारती हैं तो सैयदाए कायनात उतारती हैं। हमारी माओ बहनों बेटियों के लिए ये किरदार है, उनके तज़किरे का मतलब यह है, उनकी याद मनाने का मकसद यह है। और उस वक्त आपकी उम्र बहुत कम थी, बहुत, यही जो आपने बचपन का सवाल किया था, यही तो मैं उसी तरफ लेके आ रहा हूँ। ये देखें कि वो सिर्फ जो है ना, वो फरमाइशें करना, बेटी को फरमाइश भी करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन आप देखें तो उसे ही कि सैयदाए कायनात ने इशार कैसा किया है। अल्लाह अकबर। हजरत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाह वजहुल करीम की जौजा जब बनती हैं तो फरमाती हैं, हर औरत को मैंने देखा है कि वो अपने शौहर से उसके मालो दौलत की बात, या आप जिहाद करके आए हैं तो गनीमत में क्या मिला क्या नहीं मिला, कहते हैं मैंने मौला अली से एक मरतबा भी जिंदगी में ये बात कभी नहीं की। अल्लाह अकबर। मुझे हसनैन करीमैन की तरबियत से कभी फुर्सत ही नहीं मिली है। क्या कहने, क्या कहने, यानी अपने आकर फिर हसनैन करीमैन माँ जब बनी है तो फिर हसनैन करीमैन की किस अंदाज में परवरिश की है, किस अंदाज में तरबियत की है। यानी एक हाथ से झूला झूला रही हैं, दूसरे हाथ से चक्की चला रही हैं, जबान से तिलावत कुरान फरमा रही हैं। सुभान अल्लाह। इकबाल ने कहा है, सीरत फरजंद हा अज उम्महात, जौहर सिद्क व सफा अज उम्महात। औलाद का जो, बच्चों का, बेटों का जो किरदार बनता है, करेक्टर डिवेलप होता है, तो वो माँ के किरदार से बनता है। क्या कह रहे हैं, माँ उम्मुल खैर फातिमा हो तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी होता है, माँ सैयदाए कायनात फातिमा हो तो बेटा हुसैन इब्ने अली होता है। जब माँ कुरान की लोरियां देगी तो फिर नेजे की नोक पे कुरान की तिलावत की आवाज आएगी। अगर घर में कुरान खोले ही ना माँ, वो ताके निशियां पे रख दिया जाए, डस्ट ना झाड़ी जाए उससे, हर वक्त हाथ में रिमोट हो, फिर हम कहें कि घर में बेबरकती होती है। आए सैयदाए कायनात का उस्वा अपना के तो देखें। और जो औरत खुद अपने, अपनी इफ्फत और अपनी इस्मत और अपने पर्दे का यूं ख्याल करती है, जिस तरह सैयदाए कायनात ने किया, किस तरह किया कि आला हजरत ने सैल्यूट करते हुए, बरेली के ताजदार ने, इमाम इश्क को मोहब्बत ने कहा, कहा जिसका आंचल ना देखा माहो मेहर ने, जिसका आंचल ना देखा माहो मेहर ने, चांद और सूरज ने जिस हस्ती का आंचल भी नहीं देखा, बाल देखना तो दूर की बात है, जिसका आंचल ना देखा माहो मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। जब सैयदा ने अपने पर्दे का यूं ख्याल किया तो फिर मैदान माशर में मेरा रब भी यूं ख्याल फरमाएगा, जो इमाम बहकी ने रिवायत नकल की है कि अर्श के नीचे से एक मुनादी निदा करेगा हशर के मैदान में, जब सवा लाख या सवा दो लाख या एक लाख सत्तर हजार या कमोबेश अंबिया और रसूल होंगे, और हर रसूल का हर उम्मती वहां मौजूद होगा, तो वहां एक मुनादी निदा करेगा, या अहलल जमे नक्के सुरूसकुम व गद्दु अबसारकुम हत्ता तमुर फातिमा तुबना तु मुहम्मद अला सिरात। ओ मैदान माशर में जमा होने वालों, अपने सर झुका लो, निगाहें नीची कर लो, मुस्तफा की शहजादी का गुजर होने वाला है। तो ये प्रोटोकॉल उसी को मिलता है जो खुद अपनी इफ्फत इस्मत और पर्दे का ख्याल करता है। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो हमने पर्दे की बात की, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज देखें, अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो सब्र, तहम्मुल एक बिहेवियर इंसान का होता है। मैं उस पर भी बात करना चाहूंगी, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ आपने एक चीज एक तरफ पॉइंट किया जहाँ जिसपे मैं बात करना चाहूंगी मजीद, और हर वक्त ख्वातीन जो है, मतलब सारे ही आजकल मर्द हजरात ख्वातीन भी की, बट क्योंकि ख्वातीन की बात करें इसलिए स्पेसिफिकली कह रही हूँ, चीज़ों की डिमांड्स बहुत होती हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हमसाये की बीवी के पास ये है, क्योंकि देखिए हमने ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में अब इम्प्लीमेंट करनी है, तो थोड़ा इससे रिलेटेड भी गाइड करें कि क्या बिहेवियर होना चाहिए। पर्दा 100% अपनी जगह, उसके साथ साथ
जो हमारा कॉन्डक्ट है, हमारा बिहेवियर है लोगों के साथ डील करने का। मैं इधर से गया था कि आपका पूरा उस वाला, मैं सब बात करता हूं, पूरा उस हुआ, पूरा किरदार, सबर किस तरह किया, शुक्र किस तरह किया, औलाद की तरबियत किस तरह किया, फाके किस तरह काटे हैं, कई कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन वालिये कायनात बाप हो फिर भी जबान पे सवाल नहीं आता बेशक कि मुझे भी कुछ दिया जी। मैं इसमें मौलाना साहब ने बड़ी सैर हासिल, खूबसूरत, बड़ी इल्मी, अदबी और रूहानी गुफ्तगू फरमाई, अल्लाह ताला उनके और इजाफा फरमाए, आमीन। अभी मौलाना साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा है, मैं उससे आगे जाऊंगा आपके सवाल की तरफ कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैह, मुझे किसी ने मौलाना साहब सवाल किया था कि जौजा है सैयदा कायनात, शोहर है अमीर कायनात, तो घर में फाके क्यों हैं? बड़ी अहम बात है। जौजा है सैयदा कायनात, शोहर है अमीर कायनात, बाबा है रहमत लिल आलमीन, बेटे हैं जन्नत के सरदार, तो घर में फाके क्यों हैं? अगर मैं ये समझा सका आलम इस्लाम को तो मैं समझता हूँ आज के मौजू का कुछ ना कुछ हक अदा। तो मैंने जवाब दिया कि सैयदा के घर में फाके बवजह गुर्बत नहीं थे, बवजह सखावत थे। अल्लाह अकबर, यानी जो आया वो तकसीम कर दिया गया। इन्होंने रखे सिर्फ रोजे हैं, घर में सामान नहीं रखा, माल नहीं रखा, जो आया उसे राह खुदा में तकसीम कर दिया गया। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं, किसी को मानना और है और उसकी मानना और है। हमारा इस्लाम हमें इजाजत सिर्फ ये नहीं देता कि हम उनको माने, हम उनकी माने। जो आपने सवाल के एक जुमले में खत्म करता हूं, जनाब अमीर कायनात साहिब नहजुल बलागा मेरे आका अली अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक है कि ऐ खवातीन, अपने शोहर को कभी गुलाम ना कहना वरना गुलाम की जौजा कहलाओगी। हाय हाय, अपने शोहर को कभी गुलाम ना कहना वरना गुलाम की जौजा कहलाओगी, और ऐ शोहर अपनी जौजा को कभी कनीज ना कहना वरना कनीज के शोहर कहलाओगी। जो लकब हम उसके लिए इंतखाब करेंगे उसमें खुद शामिल होंगे। सैयदा की सीरत हमारे लिए राह अमल है, जनाब अली अलैहिस्सलाम की सीरत हमारे लिए राह हयात। यहीं पे हम अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मनी भाई आप हमारे साथ रहेंगे, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।